दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मनी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का, जो कि आप सबको मैं एक अपडेट दिया था कि पेजीएफ से अपने फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर करने का अथॉरिटी दे दिया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मिलता रहे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि आपके एक लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है, जरूर वीडियो के लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलो गाइस चलते हैं मोबाइल पे के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम लोग किस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप सबका कमेंट भी बहुत आ गया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट का वीडियो को बनाइए। तो फाइनली आप फ्री ऑफ कॉस्ट का मैं आज आपको एक ट्रिक दे देता हूं जो आप लोग का वर्किंग ट्रिक है और आप शायद ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाला भी ट्रिक है। तो चलो चलते मोबाइल की स्क्रीन पे। सो गाइस मैं फाइनली आज को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे गाइज मैं बता दूं कि आप सबका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करने के लिए गाइज आपको प्ले स्टोर में आने के बाद आपको फाइनली पेज वेबसाइट को आपको सर्च कर लेना है। चलो फाइनली मैं पेज वाइब सर्च को इसको सर्च कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद देखें फाइनली मेरा ये एप्लीकेशन पहले ही आप जैसे सर्च करेंगे तो पहला फर्स्ट में यही एप्लीकेशन आ जाता है। तो इसको गाइज आपको फाइनली से इसको ओपन आपको कर लेना है, यानी इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज आपको जब तक आप इसी एप्लीकेशन में अकाउंट आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप लोग मनी ट्रांसफर करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट ही करना पड़ेगा, तो आप अकाउंट एक क्रिएट कर लीजिएगा। तो गाइज फाइनली हम इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अभी एक भी रुपया आपको चार्ज लगने वाला नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारा आप इस कमेंट आएगा कि सर इस पर 2% चार्ज प्लस जीएसटी लगता है। तो पूरे मैं आप सबको लाइव भी दिखलाने वाला हूँ कि कितना आपको चार्ज लगने वाला है। तो चलो फाइनली मैं आपको लाइव दिखलाने के लिए गाइज हमको अपना प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है। तो गाइज इधर आप देख पाएंगे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सर्विस एंड चार्ज का। तो गाइज फाइनली आप सर्विस एंड चार्ज पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो फाइनली मैं गाइज बता दूं अगर आप सब मेल किए हैं तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आपको मेल करना पड़ता है। अदरवाइज आप मेल नहीं किए तो भी आप कोई बात नहीं, आप सबको अगर आपके मैसेज आया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको मेल भी करने की अभी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं ऑलरेडी कस्टमर केयर से बात किया था तो उनको बताया गया कि आपको अभी मेल वेल करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है पेज वेबसाइट एप्लीकेशन में। तो गाइस आप जब नीचे की तरफ आप सेलेक्ट करेंगे गाइस आप देखेंगे इधर आपको दिखाया गया है कि 0% UPI QR कोड पे आपको 0% चार्ज लगने वाला है क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो गाइस चलो मैं एक जल एग्जांपल के लिए मैं इधर कुछ अमाउंट डालूंगा और अमाउंट के थ्रू आपको पूरे इधर से कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल फॉर मैं इधर 10,000 रुपये डाला तो गाइस आप देखेंगे 10,000 में ऊपर में आप शो हो गया 0% यानी 1 रुपये आपको चार्ज नहीं लग रहा है। गाइस जिस पर आपको चार्ज लगने वाला है तो गाइस देख लीजिए नीचे में एक ऑप्शन इधर मिल गया का 0%। गाइज इसके बाद आपको चार्ज लगने वाला है भारत क्यूआर कोड पे लगने वाला है 1% चार्ज लगने वाला है। उसके बाद एक्स्ट्रा 1% GST है उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद गाइज देख पाएंगे आप सब कि 100 रुपये यानी 10,000 पे आपको 100 रुपये आपको चार्ज लगने वाला है भारत क्यूआर कोड से। आपको इतना याद रखना है कि UPI ट्रांजेक्शन फ्री हो चुका है और भारत क्यूआर कोड पे 1% चार्ज लगता है, यानी कि ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, 1% कोई ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड वीजा का या मास्टर का अगर यूज करते हैं भारत क्यूआर कोड के थ्रू तो आपको 2% चार्ज भरना पड़ेगा, उसमें आपको GST 18% इंक्लूड रहेगा उसमें। उसके बाद आप देखेंगे गाइस अगर हम लोग वॉलेट की अगर बात कर लेते हैं गाइस देखेंगे वॉलेट अगर लिंक से हम लोग करते हैं तो 0%। अगर वॉलेट से भी अगर आप मनी अगर अभी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी वॉलेट भी आपको इधर फ्री कर दिया गया, चाहे लिंक से कीजिए अदरवाइज आप वॉलेट से कीजिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है। तो गाइस कभी करीब करीब जो हम लोग जितना भी ट्रांजेक्शन करने वाले हैं और हम लोग जो यूज करते हैं वो करीब करीब फ्री ही कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग अभी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड तो कोई भी यूज करते नहीं है, अगर आप लोग करते हैं तो आपको 3% इधर से आप चार्ज भरना पड़ेगा, आप सबको इतना देख लेना है। अगर बात UPI के हम लोग अभी जो मनी ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग UPI थ्रू करने वाले हैं, तो जो कि हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हो मनी ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि हम लोग क्रेडिट कार्ड के मनी ट्रांसफर करने वाले हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। चलो गाइस अभी आप लोग तो देख लिए कि कितना आपको चार्ज लगने वाला है। चलो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं। तो गाइस आपको अभी क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले आप इधर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेल का, तो फाइनली आप सेल पे क्लिक कर दीजिए। चलो मैं सेल पे क्लिक करता हूं। तो गाइस उसके बाद आपको जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, एग्जांपल फॉर हमको 200 करना है तो चलो मैं 200 पे क्लिक किया। उसके बाद गाइस आपको कलेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनल मैं कलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। गाइस उसके बाद आपको मनी ट्रांसफर करने के लिए आज फिर से आपको यूज करना पड़ेगा फोन पे एप्लीकेशन को, क्योंकि उससे पहले जब हम लोग यूज किए थे तो आपको चार्ज लगा था बट अब भी आपको 1 रुपया चार्ज लगने वाला नहीं है। चलो अभी पूरा मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि साथ में आपको 1 रुपया चार्ज लगने वाला नहीं है। चलो फाइनल मैं फोन पे पर क्लिक किया। फोन पे पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको एक QR कोड आपको सो हो गया था, इसको क्या करना आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो फटाफट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको दूसरे मोबाइल में इसको शेयर कर देना है। चलो फटाफट मैं शेयर भी कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं ये QR कोड को एक अपना लैपटॉप पे सेंड कर दिया। उसके बाद हम चलते भी फोन पे एप्लीकेशन में आपको जाना पड़ेगा। चलो फटाफट मैं चलता हूँ फोन पे एप्लीकेशन में। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ फोन पे एप्लीकेशन में। गाइस बता दूं अगर आपके पास KYC हुआ है तो ही आप ये एप्लीकेशन को यूज कीजिए, यानी इससे पहले आप KYC किए थे और ये
फोन पे एप्लीकेशन का केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, तो तब तक ये काम कर रहा है। अदरवाइज आपकी इसका केवाईसी भी अभी शुरू हो चुका है, तो आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर कमेंट करेंगे केवाईसी अभी किस तरह से होगा ताकि हम लोग क्रेडिट कार्ड मनी ट्रांसफर कर सके फोन पे एप्लीकेशन से। तो इसके ऊपर भी मैं आप सबके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। तो सबसे पहले आपको फोन पे में आने के बाद आपको स्कैनर पे का सहारा लेना पड़ेगा। चलो फिर मैं स्कैनर पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप देखेंगे जैसे मैं स्कैन पे क्लिक किया तो गाइस आप देखेंगे मेरे लैपटॉप में ये क्यूआर कोड है, इसको ये स्कैन हो गया। तो गाइस जैसा भी ये स्कैन आपका क्यूआर कोड ये स्कैन हो जाएगा तो गाइस देख पाएंगे आपको अभी जो ट्रांसफर करना है अभी क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करना है गाइस, तो आपको फाइनली आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ गाइस। उसके बाद आपको जो भी नया क्रेडिट कार्ड इधर से आपको एक ऐड करना पड़ेगा। चलो फटाफट मैं अपना नया क्रेडिट कार्ड इधर एक ऐड करता हूँ जिसमें आप गाइस देख पाएंगे इधर कार्ड का नंबर, मंथली, एक ईयरली और सीवीवी कोड इधर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो फटाफट हम अपना कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मैं अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड भर दिया गाइस। उसके बाद हमको पे पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं पे पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पे पे क्लिक कर दिया। सो गाइस अगर आप सबके पास फोन पे में अगर कोई भी वर्चुअल कार्ड अगर काम नहीं करेगा तो क्या होता क्या है, अगर जब तक आप पुराना केवाईसी करके रखे रहेंगे तो उसमें काम नहीं करता है, जब आप नया केवाईसी करेंगे फोन पे का तो ही काम करता है। तो गाइस अभी मैं बात कर लेता हूँ फ्री रिचार्ज का। गाइस बता दूँ अगर आप फ्री रिचार्ज में आके अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड का मनी लोड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यानी लोड मनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद अगर आप पेज वेबसाइट में अगर मनी ट्रांसफर करते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलो पूरे लाइव आप लोग देखिए ताकि आप सबको एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर होता है इसी तरीके से, जो कि पूरा मैं हिस्ट्री आपको पहले बता ही दिया बट अभी मैं आपको एड मनी करके भी दिखा देता हूं। चलो फाइनली मैं एड मनी पे क्लिक करता हूं। एड मनी पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको जितना भी मनी ट्रांसफर चाहिए उतना आप ऐड कर लीजिए। उसका फाइनली एड मनी करने के बाद आप गाइस देखेंगे जो भी इधर आप कार्ड चाहिए कार्ड इधर आप अटैचमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल फोर के लिए इधर गाइस देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का, तो फाइनली आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है वो कार्ड का नंबर इधर आपको फिल करना पड़ेगा। चलो फटाफट हम अपना कार्ड का नंबर फिल कर देते हैं। सो गाइस फाइनली मैं फिर अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर सब फिल कर दिया हूँ गाइस। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली प्रोसेस टू पे पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलो फटाफट मैं प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर दिया हूँ गाइस। जैसे आप प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपको ये लेके जाएगा पेमेंट गेट वे पे, यानी पेमेंट गेट वे पे ले जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP के थ्रू आपका ये ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। चलो फाइनली मैं OTP का इंतजार कर लेते हैं, जो कि हमको SBI तरफ से एक OTP आएगा। चलो फटाफट मैं OTP का पहले इंतजार कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली मेरा OTP आ चुका है SBI की तरफ से गाइस। उसके बाद हमको सबमिट करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ और प्रोसेस योर पेमेंट जस्ट पे सेव, यानी अभी हमको कुछ वेट करना पड़ेगा। चलो हम वेट कर लेते हैं गाइस। मैं बता दूँ कि आपको एक भी रुपया चार्ज लगने वाला नहीं है और आप सबका क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो गाइस फाइनली मेरा SBI का जो हमको क्रेडिट कार्ड था उसमें सबको डेबिट हो चुका है 100 रुपीज़ और एड हो चुका है फ्री रिचार्ज अकाउंट में। गाइस फ्री रिचार्ज अकाउंट को आपको बैलेंस देखने के लिए गाइस देखेंगे हमको फ्री रिचार्ज की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया गया। चलो फाइनली आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन कि अभी एड हुआ है कि नहीं। तो गाइस फाइनली आपको ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप देख पाएंगे ऊपर में आपको एक शो हो जाएगा कि 100 रुपीज़ आपको एड हो चुका है। चलो गाइस अभी चलते हैं पेज वाइज सेफ्टी में। सो गाइस जैसा आप पेज वाइज सेफ्टी में आएंगे तो इधर आपका सब प्रोसेस मालूम है। फाइनली आपको सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद 100 रुपीज़ डाल देना है। 100 रुपया डालने के बाद गाइस आपको वॉलेट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको फ्री रिचार्ज का जो मोबाइल नंबर है उधर आपको डालना पड़ेगा। चलो फटाफट हम अपना मोबाइल नंबर इधर डाल देते हैं। गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं जनरेट OTP पे क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइस जैसे आप OTP आएगा और OTP के थ्रू आपका ये डायरेक्ट जो भी आपके फ्री रिचार्ज अमाउंट में अकाउंट में जितना भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा पेज वेबसाइट। तो चलो वेट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा OTP आ चुका है। चलो फटाफट मैं OTP इधर पहले फिल कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं OTP इधर फिल कर दूंगा। उसके बाद हमको पेमेंट कोलेक्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे ही मैं पेमेंट कोलेक्ट पे क्लिक किया और ऑटोमेटिक आपका जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइज आपको मैं अभी तक की जो वीडियो में बताया कि अगर आप सबका फोन पे KYC अगर हो चुका है तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके फोन पे KYC अभी तक नहीं हुआ है चाहे आप पैन कार्ड से कर लीजिए तो भी चलेगा, अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड से करेंगे फोन पे वॉलेट का KYC तो भी चलेगा, या आधार कार्ड से करेंगे तो भी चलेगा, यानी KYC थोड़ा मिनी KYC भी होना चाहिए तो ही जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड उसमें सपोर्ट करने वाला है, उसके पहले आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। अगर आपके पास फोन पे एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है तो अभी आप सहारा ले लीजिए फ्री रिचार्ज का, जो कि फ्री रिचार्ज अकाउंट आपको कभी भी बन जाएगा, इंस्टेंट में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आप पेज वेबसाइट का सहारा लीजिए और इंस्टेंट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर कीजिए अपने बैंक अकाउंट में।
तो गाइज इस तरह से आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी भी एक भी रुपया चार्ज लगने वाला नहीं है। मैं आप सबको पूरी लाइव दिखला दिया, अगर आप सबको फिर भी कोई डाउट है तो आप सब हमको कमेंट कीजिए कि हाँ इधर आप चार्ज लग रहा है। बट अभी तक आपको जो भी कमेंट आया है और हमको जो अपडेट आया था पेज वेबसाइट की तरफ से, वो पूरे मैं आप सबको दिखला दिया लाइव कि हाँ अभी कोई कहीं पर भी अभी चार्ज लगने वाला नहीं है, जो कि हम जो अभी फिलहाल में जो ट्रिक यूज किया हूँ उसके ऊपर आपको एक रुपया भी चार्ज लगने वाला नहीं है। तो आई होप आप उसकी वीडियो पसंद आया होगा, जरूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।